हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DTA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था TGA, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DTA, ये क्या है, थर्मल एनालिसिस का मेथड है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ, इसमें होता क्या है, फिर आप इसके नोट्स देख लेना तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। देखिए, DTA में क्या करते हैं, आपका जो भी सैंपल एनालिसिस करना होता है उसको आप टेस्ट सैंपल कहते हैं। उस सैंपल को एनालिसिस करने के लिए आप एक टेस्ट सैंपल लेंगे और एक इनर्ट रेफरेंस सैंपल लेंगे। मतलब आपके पास दो सैंपल हो गए, एक तो टेस्ट सैंपल और एक इनर्ट रेफरेंस सैंपल। अब दोनों सैंपलों का धीरे धीरे हम टेम्परेचर इनक्रीज़ करेंगे। एक टाइम पर क्या होगा, आपका जो टेस्ट सैंपल था, मान लीजिए कि वो टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया कि अब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया, तो अब टेस्ट सैंपल का मेल्टिंग होने लगा, ठीक है। अब जो हमारा टेस्ट सैंपल था उसका हमने टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ किया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया, ठीक है। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया तो टेस्ट सैंपल का मेल्टिंग होने लगा। अब मान लो कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने लगा, ठीक है। इस टेम्परेचर पर अब क्या होगा, ये रुक जाएगा, जो सैंपल टेस्ट है आपका वो रुक जाएगा। लेकिन जो हमारा रेफरेंस सैंपल था, इसका टेम्परेचर तो बढ़ता गया, तो रेफरेंस सैंपल और टेस्ट सैंपल के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस को ही आप रिकॉर्ड करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर। तो जो आपको कर्व मिलती है, ठीक है, जो आपको ग्राफ मिलता है, दैट इज़ DTA कर्व। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में आप दो सैंपल लेते हैं, एक तो आपका टेस्ट सैंपल होता है और एक इनर्ट रेफरेंस सैंपल, ठीक है। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA इज़ अ थर्मो एनालिटिक टेक्निक दैट इज़ अ सिमिलर टू डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। जो हमारी DTA टेक्निक होती है वो हमारी किसके सिमिलर होती है, DSC, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। इन DTA द मटेरियल अंडर स्टडी एंड इनर्ट रेफरेंस आर मेड टू अंडर गो आइडेंटिकल थर्मल साइकिल विद रिकॉर्डिंग एनी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। द डिफरेंशियल टेम्परेचर इज देन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम और अगेंस्ट टेम्परेचर, ये टाइम और टेम्परेचर में होता है। चेंज इन द सैम्पल आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैन बी डिटेक्टिक रिलेटिव टू द इनर्ट रेफरेंस। फर्स्ट आप DTA के बारे में लिखोगे कि DTA होता क्या है। इसमें मैंने आपको DTA का प्रिंसिपल तो समझा दिया है। देन आप बनाओगे DTA कर्व, ठीक है। इसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, क्या होती है, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर वर्सेज टाइम के। DTA curve provide data on the transformation that have occurred such as glass transition, crystallization, melting and sublimation. अब आप एक पॉइंट लिखोगे डिफरेंस बिटवीन TGA एंड DTA। जो TGA होते हैं वो स्टैंड क्या करता है, थर्मोग्रेमेट्री एनालिसिस, और DTA डिफरेंशियल थर्मोग्रेमेट्री एनालिसिस। तो आप TGA और DTA में डिफरेंस लिख दोगे। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन TGA एंड DTA। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ DTA, DTA का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। मैंने आपको बताया इसमें दो हमारे सैंपल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सैंपल टेस्ट, दूसरा होता है हमारा रेफरेंस सैंपल, ठीक है। ये क्या है, आपकी फर्नेस भट्टी। यहाँ पे आपका फर्नेस प्रोग्रामर लगा रहता है, यहाँ पे आपका रिकॉर्डर होता है, ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर होता है, ये एटमोसफेयर कंट्रोल होता है। तो हमारा DTA का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, सबके नाम लिखे हैं, फर्नेस सैंपल होल्डर, माइक्रोवोल्ट DC एम्पलीफायर, थर्मोकपर, फर्नेस एटमोसफेयर कंट्रोल सिस्टम रिकॉर्डर, फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोलर, ये सब होते हैं इसमें।
आगे आप लिखोगे फैक्टर अफेक्टिंग डीटीए कर्व। डीटीए कर्व को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आता है हीटिंग रेट, सेकंड आता है लोकेशन ऑफ थर्मोकपल, नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर अराउंड द सैंपल, नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सैंपल। जैसे मैंने लिखा है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाओगे। पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल, नेक्स्ट आता है पैकिंग डेंसिटी, सैंपल कंटेनर। तो आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपके डीसी कर्व को अफेक्ट करते हैं। फिर आती है आपकी डीटीए की एप्लीकेशन, आपको पॉइंट वाइज वैसे लिखनी है जैसे मैंने लिखी है, ठीक है? आपको बिल्कुल जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं आपको अपने नोट्स वैसे ही बनाने हैं। तो आपका यहाँ पे डीटे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो में ये नोट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएससी।